जनपद पौड़ी में अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने अदालत में खुद अपना पक्ष रखा है। बता दें कि आरोपी ने अदालत में केस ट्रांसफर के लिए एक प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया था, जिस पर सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में सोमवार सुनवाई में आरोपी पुलकित आर्य ने अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोटवद्वार की अदालत पर निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने की बात कही। इसके तहत जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने अभियोजना पक्ष अदालत के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी द्वारा अदालत में रखे गए तथ्य अराधीन है और अदालत पहले भी अभियोजन पक्ष के केस ट्रांसफर याचिका खारिज कर चुकी है। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। आज जो पुलकित आर्य ने गुरुद्वार कोर्ट से अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई थी गुरुद्वार कोर्ट में, गुरुद्वार कोर्ट से वो जिला जज महोदय के पास आई। जिला एवं सत्र न्यायालय में आज दोनों पक्षों ने, पुलकित आर्य चमोली से न्यायिक हिरासत में पौड़ी आया था और उसने अपना पक्ष रखा और अपने आधार जो उसने अपने प्रार्थना पत्र पर लिखे थे उन्हीं आधारों को उसने दोहराया और मांग की कि ट्रांसफ़र किया जाए उसके इस केस को और दौर से अन्यत्र। इस पर अभियोजन की ओर से हमने ये तर्क दिया कि जो आधार उसने उसमें लिखे हुए थे वो आधार इस प्रकार के थे जिनमें ट्रांसफ़र का कोई औचित्य नहीं होता है और हमने पुरजोर उसका विरोध किया, क्योंकि वादी पक्ष की ओर से पहले भी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई गई थी जो यहाँ से निरस्त हुई थी। तो उन्हीं आधारों पर हमारा ये तर्क था कि इसके प्रार्थना पत्र पर भी कोई बल नहीं है और कोई ऐसी बातें उसमें नहीं लिखी गई थी जिनके आधार पर ट्रांसफ़र किया जा सके। ये तर्क हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और माननीय न्यायालय ने सभी तर्कों को सुनने के बाद अब इसमें आगामी तिथि निर्णय के लिए नियत कर दी।